तो दोस्तों, मैं हूं आपका उस नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Apache RTR 164V के अंदर हम करने वाले नई मॉडिफिकेशन, जो कि मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं रियल कैमरे में कि हम कौन सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं हम रियल कैमरे में और बताता हूं मैं आपको हम कौन सी मॉडिफिकेशन इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी देख लो, ये जो ये रही बाइक, और बाइक के अंदर हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, हम ये जो पीछे का मडगार्ड है इसको हटाने वाले हैं। जैसे आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ये जो मडगार्ड था ये हमने हटाया था लुक निकालने के लिए, लेकिन अभी इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे आप लोग प्रॉब्लम देख रहे होगे कि भाई ये मडगार्ड क्लीन है लेकिन इधर के साइड में देखो क्या डस्ट हो रखा है, और ऊपर के साइड में भी आप लोग देख रहे हो कि प्रॉपरली डस्ट आ रखा है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग जो इसके लिए लेकर आए मडगार्ड वो लेकर आए हम यामा FZ का मडगार्ड लेकर आए। ये प्रॉपरली आपने देखा होगा यामा FZ वर्जन 2 के अंदर जो मडगार्ड आता था हम वो मडगार्ड लेकर आए। इसके तीनों पैनल्स हम लोग लेकर आए हैं, तो ये तीनों पैनल जो है हम इसको करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी एक मेजरमेंट फिटमेंट लेनी पड़ेगी। तो उसके पहले हमें क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले इन सब चीज़ों को खोलते हैं। तो अभी हम इसको खोलने के लिए क्या है कि मेरे पास जो टूल्स थे तो वो तो खैर इसके अंदर नहीं हो पाए, तो अभी हम इसको क्या है, इसको नॉर्मली हम लोग ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके से अभी हम खोलते हैं पेज, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो बोल्ट है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये 10 की चाबी है, तो 10 की चाबी तो खैर इसमें नहीं हो पाई। तो अभी हम ये जो है हम इसको कैर प्लास्टिक खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक है ये क्या ये खुल जाएंगे। तो चलो मैं आप लोगों को खोलते हुए दिखाता हूँ कि कैसे इन्हें खोलना है। तो दोस्तों देख लो, यहाँ से अपना जो ये मडगार्ड है निकल गया, और 1, 2, 3, 4 और 4 बोल्ट इधर के साइड में लगे थे। ये वाला बोल्ट जो है ये थोड़ा आफत है, बाकी तो खैर अपना निकल गया था। और अगर तुम चाहो तो ऐसे ही रख लो, लेकिन भाई मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि चैन और जो सस्पेंशन है भाई इसके ऊपर आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग क्या है, जो FZ का मडगार्ड है हम लोग ले आए हैं, और ये रहा अपना मडगार्ड, और इसके जो बोल्ट है ये बोल्ट आप जरूर, जितने भी बोल्ट है सारे बोल्ट अलग से आप रख लेना, मैंने यहाँ पर रख लिए। यही बोल्ट इसमें वापस इंस्टॉल होंगे, इसके अंदर कोई भी अलग नहीं है क्योंकि 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं। और बाकी देख लो, ये जो अपने मडगार्ड है वो ये रहे, तो ये जो था ये हमें मार्केट से मिल गया था, खैर हमें तो काफ़ी उसमें मिल गए थे कम प्राइस में, बाकी आप लोग देख लेना कितने तक के आपको भी पड़ जाते हैं। और हमें ये जो पार्ट मिले ओरिजिनल यामा के, हमें पार्ट मिला है ये आप ओरिजिनल यामा का देख रहे हो, लेकिन हमारे लिए ये था कि डिस्काउंट काफ़ी सही हो गया था हमें, अब मिल जाता है तो अब आपका होगा, कहीं ना कहीं हो तो देख लेना। बाकी अदरवाइज ये, और बाकी ये इसके दोनों साइड के पैनल, इधर के साइड के, और ये आपके दोनों साइड के पैनल है। तो अभी मैं क्या हूँ, इन लोगों को इसको पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ इधर साइड में, क्योंकि जो मेन चीज़ है ये साइड वाले पैनल लगाने, बाकी ऊपर वाला तो इसमें आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो साइड वाला पहले मैं लगाता हूँ, फिर इसके बाद ऊपर वाला। इसका लगाने का फ़ायदा ये होगा, ये जो शॉकर है, ये जो सारा गंदगी हो रही है ना, ये जो ऊपर के साइड में, ये सब तुम्हारी क्लीन रहेगी क्योंकि वो यहाँ तक का हो जाएगा पूरा। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपके आगे आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है ये प्रॉपरली बना लिया पूरा अपना, जो ये मडगार्ड है हमने तैयार कर लिया। अभी हमने पेज थोड़े हल्के हल्के से ही रखे हैं, मतलब फिटिंग अभी हमने फुल टाइट नहीं करी है इसकी, क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट होगा अब तो उस हिसाब से देखेंगे। तो अभी तो क्या है परफेक्टली जो ये लग के आएगा, अभी निकाल के देखेंगे उसमें क्या है, क्योंकि देखो यामा की फ़िटिंग अलग होती है और ये अपाची की फ़िटिंग अलग होती है, तो थोड़ा सा हमें ऑल्टेशन करनी पड़ेगी। खैर इतनी तो चल जाएगी, थोड़ी बहुत ऑल्टेशन तो होगी। तो बाकी ओवरऑल अभी हम इसके अंदर यहाँ पे इसको एडजस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर अगर मेजर प्रॉब्लम दिखी जाए, तो जैसे ये साइलेंसर है ना,
ये इशू कर रहा है थोड़ा। अगर आपने दो और सी बाइक देखी होगी तो उसमें क्या साइलेंसर थोड़ा बाहर होता है, इसमें क्या है अंदर के साइड में, तो यहाँ से हमें कुछ कहते हैं ना तिकड़मबाज वाला हिसाब करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इस साइड के यहाँ से तो हमारा परफेक्ट फिट आ रहा है, इधर के साइड में हमें ये है कि इसको चेक करना पड़ेगा, और बाकी हमें कुछ जो जैसे इधर के साइड में बोल्ट वोल्ट है इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी पहले मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर आपको दिखा दूँ। तो रोल देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब लग गया, अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ के साइड से इधर के साइड से थोड़ा एडजस्ट ये होगा। बाकी एक अगर इसका फाइनल लुक देखो तो थोड़ा इस टाइप का लुक आएगा। बाकी एक बार हम इसको एडजस्ट करके देखते हैं कि हमें ये है कि इसमें हमें थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं काटा पिटी वाला काम हमें इसको थोड़ा करना पड़ेगा, और चीज़ में हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे, जो करेंगे हम इसमें मडगार्ड में करेंगे ताकि ये कल को ख़राब हो जाते तो हम दूसरा भी नया ला के लगा दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बाकी अभी हम देखते हैं इसका, क्योंकि इसके जो बोल्ट के सेटअप है वो थोड़ा लंबा है, जैसे मैं स्विंग आर्म देख रहा हूँ इसका जो स्विंग आर्म है वो थोड़ा लंबा दे रखा है, और एफ जी का है वो क्या है वो थोड़ा छोटा है। बाकी आगे के साइड में वो थोड़ा इधर उधर ये जाएगा, बाकी अभी हम लोग कर लेते फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख लो यहाँ पे हम लोगों ने क्या है इसको अभी आउटरली फिट इसमें कर दिया हमने, तो इस टाइप का कुछ लुक आ रहा है अच्छा, वहाँ से भी सही है। अब हमें क्या थोड़ा सा आगे के साइड में से देखना पड़ेगा जो आगे के साइड में इसका कैसे सेटअप है, क्योंकि मैंने अभी इसमें क्या पेज इसमें बिल्कुल नहीं कसे हैं। अब मैं पहले इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं इसमें पेज कस लेता हूँ और हम लोगों ने करा क्या क्या, पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमारे वाला जो पैनल है, इस वाले पैनल में अगर आप अपाची में यूज़ कर रहे हो तो अपाची में यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या है भाई ये काटने पड़ेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना मतलब इतना हिस्सा आप इसका निकाल के रख दो, और आपको होल करने के लिए यहाँ पे इधर के इधर सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे और सेम यही चीज़ है कि दूसरे साइड पे भी आप लोगों को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप ये देख रहे हो हमने ये वाला भी जो निकाला है, और इसके लिए भी आप हमें ये यहाँ से काटना पड़ा है, पहले हमने ये यहाँ से काटा फिर हमने ये कि यहाँ से काटा। यहाँ से काटने का रीज़न ये था कि ये इधर के साइड में यहाँ पे हमारा ये पाइप जा रहा है, और ये पाइप को हम ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते या इधर उधर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो पाइप है, ये पाइप की वजह से थोड़ा, अगर मैं जनवनी बात बताता तो इस पाइप की वजह से थोड़ा सा लफड़ा पड़ता है वाला जो पाइप है ना, ये इसी का थोड़ा मामला बनता है, क्योंकि इसमें क्या कंपनी पीछे दे नहीं रखा, तो अब हम लोग इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए अब हमें ये पाइप का या तो हमें कोई दूसरा सेटअप बनाना पड़ेगा या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको कसेंगे। तो पहले मैं उसको टाइट करके देख लेता तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या। तो देख लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, ये वाला जो मडगार्ड था हमने ऊपर वाला, यहाँ से भी हमने जो इसमें अंदर है कटिंग करी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कटिंग करी है जो कटिंग हमारी जाएगी इसके मडगार्ड ये हमारे शॉकर के अंदर, शॉकर के अंदर जो है यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ये यहाँ जाएगी इधर के साइड में। और अब हमने क्या करा है इसके अंदर, हमने कुछ जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम पे भी, हमने ऑल्टरेशन करी है, तो ये ओल्ड मडगार्ड तो हम इसका रख देते साइड में, और हमने ऑल्टरेशन इसके अंदर क्या कर रखी है, जैसे हम लोगों ने ये हिस्सा काटा है, ठीक है, इसके साथ आपको ये भी काटना पड़ेगा। अगर आपके इस डिस्क वाली साइड पे आपको ये ऊपर से काटना पड़ेगा ताकि जो डिस्क है वो यहाँ पे कैलिपर जो है वो यहाँ पे आपका आराम से आ जाए, यहाँ काटना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या है, हम इसको ना जो बोल्ट मैंने पहले बताए थे, पहले जो मैंने बोल्ट बताया था वो यहाँ वाला बताया था कि हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहे, हम इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके पहले यहाँ कनेक्ट होगा फिर ये यहाँ कनेक्ट होगा फिर ये यहाँ कनेक्ट होगा, यानी यहाँ पे तीनों साइड में ये कनेक्ट हो जाएगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा होने वाला है, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये इस वाले बोल्ट पे कनेक्ट हो जाएगा और अपने इस वाले बोल्ट पे और इस वाले बोल्ट पे, तो ये तीनों पे हमें यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो हमारी चैन थी वो चैन उसी तरीके से रहेगी, जो पहले हमारा कवर लगा था उसी तरीके से सेम ये वाला भी हमारा कवर रहने वाला है। भी क्या है, फाइनली मैं एक बार इसको इंस्टॉल करके देख लेता हूँ फिर आप लोगों को मैं प्रॉपरली बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। जैसे ये देखो यार, ये प्रॉब्लम थी, ये देख दो आप लोग कितनी डस्ट आ रखी, पूरी बाइक में यहाँ पे डस्ट ही डस्ट है। तो ये क्या है, यहाँ से प्रॉपरली चलो ये मैं बताऊँगा क्यों है, लेकिन पहले हम इसको करते हैं। और आपको क्या है, मडगार्ड पे देखो यहाँ पे भी एक उस वाले मडगार्ड में यहाँ और इधर के साइड में छेद बनाने पड़ेंगे,
तो पहले हम लोग छेद कर लेते हैं और बोल्ट हमारे वही पुराने वाले यूज़ होंगे, जो यहाँ पे यूज़ होते थे वही से हमारे बोल्ट इसमें यूज़ होंगे। अभी इसको मैं कस लेता हूँ प्रॉपरली और यहाँ से हमने सारी फिनिशिंग इसकी दे दी है। उससे पहले मैं उन्होंने छेद कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या करा, यहाँ पे भी छेद कर लिया अपना, यहाँ जी छेद हो गया और एक यहाँ भी छेद हो गया। उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के हिसाब से हमारे सारी जगह पे बोल्ट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, बस पीछे वाला रह गया तो वो इतना कुछ जोड़ नहीं है क्योंकि आगे 2 जॉइंट हमारे लग गए हैं। और वही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया तीसरा। तो यहाँ तीनों जगह भी हमारे जो पॉइंट है वो हमारे लग चुके हैं। और अब क्या है, जैसे उस साइड में कनेक्ट है वैसे इधर के साइड में कनेक्ट है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट जो इसके अंदर जो मेन मडगार्ड है उसको भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करके और डायरेक्ट बोल्ट के साथ हम इसको करने वाले फिक्स। तो चलो अब फाइनल लुक देख लो, वैसे ऐसे भी लुक अच्छा लगता है लेकिन ये रिकमेंड नहीं है, बाकी लगाते फिर आपको आखिरी लुक दिखा। तो दोस्तों देख लो फाइनली हमारी जो बाइक का लुक है वो इस तरीके से आया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर नया ऑल्टरेशन किया था, हमने क्या किया है जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो पुराना वाला चैन कवर है पुराना वाला ही सेटअप हमने इसमें यूज़ करा है। यहाँ पे ये हमारा जो पुराना वाला था वही यूज़ करा और ये वाला भी हमने पुराना वाला यूज़ करा। तो अभी के टाइम पे हम लोगों ने इसमें करा क्या है, यहाँ पे हमने 2 छेद करे थे और 2 छेद करके हम लोगों ने इधर के साइड पे, ठीक है ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 2 छेद हमने इधर करे है और छेद करने के बाद हमने डायरेक्ट इसी पे ही कर दिया क्योंकि ये गया, ये पूरा मडगार्ड अब अपना हिल नहीं रहा क्योंकि इसको एक सपोर्ट मिल गया, यहाँ से सपोर्ट मिल गया। आप चाहो तो यहाँ भी एक पेच लगा लो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टायर है तो इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं लगाया। आप चाहो तो ऊपर डबल साइडेड टेप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को इधर के साइड में 2 छेद करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको इधर के साइड में 2 छेद, तो आपको जो साइड वाला है इधर वाले जो यामा के आते हैं वो आपको नहीं लाने हैं। दोस्तों आप लोगों को इधर वाले जो साइड पैनल्स होते हैं वो नहीं लेकर आने, वो भी मैंने अपने अलग रख दिए, तो इधर वाले साइड पैनल आपको नहीं लेकर आने और यहाँ वाला भी आपको नहीं लेकर आना। आप लोग को क्या करना है, सेम जो यहाँ पे लगा हुआ होता है छोटा वाला उसको निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद आप लोगों को इस वाले मडगार्ड पे आपको छेद करना है यहाँ पे, ठीक है इधर छेद करके यहाँ दोनों बोल्ट इधर कर जाएंगे और यहीं पे इधर के बोल्ट इधर कर जाएंगे। या आप लोग चाहो तो फेविक्विक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी ज़रूरत नहीं है फेविक्विक कुछ भी लगाने की। और ओवरऑल हमारी जो बाइक का लुक है वो इस तरीके से निकल के आया है, ठीक है हमारी जो बाइक का लुक है वो हमारा ऐसे निकल के आया है। और इसमें क्या हमारा जो चैन कवर जो मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने पहले जो ये सब ट्राई किया था वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाया था, तो अब हमने डायरेक्ट इसके ऊपर यही वाला मडगार्ड लगा दिया। इससे क्या क्योंकि हमारा जो डस्ट वस्ट होगा वो अब देखो मैंने भी अभी नोटिस करा, देखो इधर के साइड पर भी जंग आ गया, वहाँ पर भी जंग आ गया, इधर के साइड पर भी जंग आ गया। तो अब क्या ये वाला जो अंदर का एरिया पूरा ये पूरा का पूरा हमारा साफ ही रहेगा, ये वाला जो पूरा एरिया ये हमारा यहाँ तक मान के चलो ये छींटे मार भी रहे तो छींटे मार रहा तो यहाँ तक ही आएगी और ये पूरा का पूरा अपना कवर रहेगा। तो ओवरऑल हमारी बाइक के अंदर भाई 2 दिन की मेहनत लगने के बाद ये रिज़ल्ट निकल के आया जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार लगा। तो ये हमारी बाइक का है लुक कुछ इस तरीके से, ठीक है नीचे के साइड पर देख लो काफ़ी वो है। अगर आप लोगों को और नीचे करना चाहते हो जैसे ये मडगार्ड को आप और नीचे करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े इधर के साइड पर छेद कर लेना, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है बाकी आपकी मर्ज़ी क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, डस्ट वस्ट जो होता है वो इससे ऊपर नहीं आता है। तो बाकी ये देख लो पूरा मडगार्ड अपना फिक्स है और आगे मैंने कुछ भी लगाया लेकिन आगे वाले से भी अच्छे तरीके से हमारा फिक्स हो गया। और इधर के साइड पे आपकी सारी जो गंदगी है वॉश करा लेना फिर ये सारी क्लीन हो जाएगी। तो वीडियो पसंद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे हमारे दोनों चैनल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।